दिल में तमन्ना और आरजू यही थी कि कुरान पढ़ाऊँ दिल में तमन्ना और आरजू यही थी कुरान पढ़ाऊँ आकर बैठ गया हूँ मदीना यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद बाद ने आकर उसका सीधा एम ए करते थे एम ए के बाद दुख भी करते थे मुझे भी लोगों ने कहा यार एम ए कर ला दुख करना कहा मैं रहा कॉलेज में जाए हालांकि आसान था तो मतलब कर लेता उसके बाद एम ए उसके बाद दकतूरा तो मैं भी दकतूर दखतूर लेकिन मेरी दिल की खास ही नहीं थी और जितनी तनख्वा मिली है उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि मुझे किसी तरफ और तरफ देखने की ज़रूरत थी कि मैं को कारोबार करूँ और मेरी जरूरियात अब भी अल्लाह ताला ही पूरी कर रहे मेरे वहम गुमान में भी नहीं होता तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से हर भेजता है जो वहम गुमान भी नहीं होता ऐसा होता है पैसे ख़त्म हो रहे हैं इन अल्लाह पर तवक्कुल है और हकीकत है एक दो दिन में अल्लाह ताला ऐसी जगह से भेज देता है कि वहम गुमान भी नहीं होता और कुरान की जो मामोली खिदमत किया है मुझे बाद में मतलब डर आता है ये डर आता है कि कहीं अल्लाह ताला ये ना कहते तो तुझे दुनिया में तुमने ने पढ़ाया था सब दुनिया में तो तुझे खाली है ऐसी ऐसी नियमतें इमाम हमजा रहमतुल्लाह रहमत आश्रमें से खरी हैं वो सफर पर जा रहे थे रास्ते में गांव आया उनको प्यास लगी हुई थी दराजा खटखराया अंदर से औरत ने पूछा कौन वह तो मैं मुसाफर हूँ प्यास लगी है उसने जाकर अंदर अपने खामद को कहा बाहर को मुसाफर है तो उनको प्यास लगी है पानी पिलाओ वो आए उनको मिले कमरे में बैठाया बड़ी खुशी है हज़रत आप तो रहे हैं आप तो मेरे उस्ताद हैं ये है वो ऐसी बात कहे अंदर गए वो बाहर निकल गए इमाम हमजा बाहर निकल गए और तेज़ तेज निकलना शुरू हो गया वो पानी लेकर आया इमाम से उस्ताद साहब कहाँ चले बाहर निकल देखा ते भाग रहे पीछे गया पीछे गया गुस्ताखी हो गई है सो कहा नहीं आप पानी पिए कहीं नहीं अगर तू मुझे ये ना बताता कि मैं तेरा उस्ताद हूँ तू मेरा शगिरद है तो मैं पानी पी लेता तूने मुझे बता दिया ये ना हो कियामत के क्यामत के दिन, दिन अल्लाह ये बात कह दें कि जो तूने पढ़ाया था उसका सैला तो तूने दुनिया में लिया इसलिए मैं तेरे पास पानी नहीं पानी नहीं पीऊँ पे और इमाम किसाई रामतल्लाफौत है तो उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह ने आपको क्या मुकाम दिया है तो उन्होंने कहा अल्लाह ने बहुत मुक़ाम दिया अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और बहुत मुक़ाम भी रहे पूछा इमाम हमजा अगर वो तो हमसे बहुत ज़्यादा मरतबे पर है हमसे बहुत ज़्यादा मरतबे पर तो ये वो लोग थे जिन्होंने कुरान की सही खिदमत की दुनिया की लालच नहीं है दुनिया नहीं मकसद दुनिया का मकसद आ गया तो फिर तो मामला ख़त्म हो गया जब अल्लाह ताला दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और हकीकत बाद मरतबा दिल में ये आता है या ये ये ना कहीं दिन क्या मतन क्या तू तो खाया सब कुछ दुनिया था दिन बहुत कुछ मिल गया और तलामी जहाँ बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें ला कर देते हैं ये खाएंगे ये खाएँ ये इस्तेमाल करें ये, श, ये शायद बिल्कुल खाल से जब फलानी बनी खाली है जो अल्लाह भेज रहा कि सिर्फ़ ये मामूली सी मामूली सी कुरानी खदमा मामूली मैं समझ को मामूली समझता हूँ और बाद मैं और होता भी हूँ यार मैंने कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया ये अब ये को, जो बाकी रह गए हैं दिन जिंदगी के अल्लाह उससे ज़्यादा ज्यादा कुरान की खिदम ले लें बस मेरी खास ही अल्लाह से ज्यादा से खदम और रिहा से बचाए रियाकारी से बजाय अपनी रजा के खातिर पढ़ने पढ़ाने की तहफे आखरत में है आखिरत की तैयारी में बैठे हुए हैं कबरें हमारी क्या है टांगें हमारी कबर में हैं किस वक्त गिर पड़े अब से अल्लाह से आफियत चाहते हैं कि अला खात्मा ईमान पर कर दे दुनिया से जाएँ तो कुरान पढ़ते हुए जाए और मैं दुआ करता हूँ या आला मेरा जनाजा मेरे घर से ना उठा मेरा जनाजा मेरी मदरसे से मेरे घर आए मेरा जनाजा मेरी मैयत मदरसे से मेरे घर आए ये मेरे खास है पढ़ाता हुआ मरूं, या जुमा पढ़ाता हुआ पढ़ूँ मरूँ या कुरान पढ़ाता हुआ मरूं, ये मेरी अल्लाह के खास है अल्लाह ये मेरी पूरी करते कुरान पढ़ाते हुए मैं मरूँ